हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र शुक्ला और आप देख रहे हैं डिजिटल एडवाइस। रात के 9 बज चुके हैं और टाइम हो गया है ऑनलाइन टेस्ट का, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए। क्लियर है, ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट होने जा रहा है। वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे उनको CCC रिलेटेड रिजल्ट, एडमिट कार्ड, क्लियर है एग्जामिनेशन डेट रिलेटेड जो भी अपडेट या नोटिफिकेशन आएगा वो उनको मिल जाएगा। साथ ही साथ ओ लेवल और ए लेवल से रिलेटेड भी जो कुछ भी अपडेट आएगी वो आपको मिल जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। क्लियर है, और साथ ही साथ बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। IIoT stands for ए इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सी इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डी नन ऑफ द अबव। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, और आपके पास टाइम है 10 सेकेंड्स का। क्लियर है, टाइम स्टार्ट हो चुका है, तो कोशिश करिए बताने की राइट आंसर क्या होगा। और आपका टाइम हो गया है फिनिश। क्लियर है, इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट होगा। क्लियर है, क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्लियर है, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। निम्नलिखित में IoT में शामिल है, ए सॉफ्टवेयर, बी सेंसर, सी इंटरनेट, डी ऑल ऑफ द अबव। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। 10 सेकेंड्स हैं आपके पास और आपका टाइम शुरू हो चुका है, कोशिश करिएगा बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। टाइम आपका फिनिश हो रहा है और टाइम फिनिश हो गया है, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है, IoT ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्लियर है, इसमें क्या होगा, सॉफ्टवेयर भी होगा, सेंसर भी होगा, इंटरनेट भी होगा। क्लियर है, जैसे मैं कुछ एक दो एग्जांपल बता रहा हूं, जो अभी की बात करें तो कई कंपनियों ने स्मार्ट बल्ब लॉन्च किए हैं। क्या लॉन्च किया, स्मार्ट बल्ब, जैसे विप्रो हो गया, बहुत सारी कंपनी है। तो क्या है भाई, वो इंटरनेट से कनेक्ट रहेगा और हम उसको कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं। क्लियर है, तो धीरे धीरे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, स्मार्ट आ रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने अमेजन पे एक अलेक्सा का देखा होगा, बोलने पे क्या हो जाता है, सॉन्ग चल जाता है, चलने लगता है कि नहीं, आप उससे लाइट भी बंद कर सकते हैं, टीवी भी ऑन कर सकते हैं। क्लियर है, लेकिन हाँ, जितनी चीजें हैं सभी चीजें क्या होनी चाहिए, स्मार्ट होनी चाहिए और इंटरनेट से कनेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, और उन सभी चीजों में क्या होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है, इसीलिए यहां पर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। जब भी IoT की बात करेंगे तो मतलब कोई मशीन होगी जिसमें सॉफ्टवेयर होगा जिससे वो ऑपरेट हो सके, ठीक है, सेंसर भी होंगे और साथ ही साथ इंटरनेट से भी जुड़ा होना चाहिए। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। फायरवॉल एक प्रकार का है, ए ऑप्शन सॉफ्टवेयर है, बी ऑप्शन हार्डवेयर है, सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी है, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, और आपके पास टाइम है 10 सेकेंड्स का और टाइम शुरू हो चुका है, कोशिश करिएगा बताने की राइट आंसर क्या होगा, और साथ ही साथ शेयर करते जाइएगा वीडियो को। टाइम फिनिश हो चुका है आपका। क्लियर है, टाइम क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है, और राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, फायरवॉल सॉफ्टवेयर भी होता है। अब जरा कैसे होता है जरा समझिएगा, आप कंट्रोल पैनल में जाएंगे तो वहां पर आपको फायरवॉल का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो किस प्रकार का हो गया फायरवॉल, सॉफ्टवेयर प्रकार का। ठीक है, जब भी हम बड़े लेवल पे बात करते हैं, नेटवर्क की बात करते हैं, तो हार्डवेयर डिवाइस के रूप में भी फायरवॉल आता है जो नेटवर्क में लगा दिया जाता है। क्लियर है,
जब सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं भाई, तो ये हमारे कंप्यूटर को क्या करेगा, क्या करेगा, सिक्योरिटी देगा। क्लियर है? फायरवॉल का यूज क्या है, सिक्योर करना कंप्यूटर को या नेटवर्क को। क्लियर है? या सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो इसके द्वारा हम डिफाइंड कर सकते हैं कि कौन सी वेबसाइट ओपन होगी, किस प्रकार का डेटा आ सकता है, किस प्रकार का डेटा जा सकता है। क्लियर है? तो फायरवॉल दोनों ही प्रकार के आते हैं, सॉफ्टवेयर मतलब पहले से कंप्यूटर में रहता है, हार्डवेयर मतलब उसको क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, डिवाइस टाइप में होता है। क्लियर है? उसको नेटवर्क में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्लियर है? और दोनों ही फायरवॉल में ध्यान रखिएगा, चाहे वो सॉफ्टवेयर फायरवॉल हो चाहे हार्डवेयर फायरवॉल हो, वहां पर रूल डिफाइन करने पड़ते हैं, नियम बताने पड़ते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इंक्रिप्शन टेक्निक नेटवर्क में किसको बेहतर बनाती है? इंक्रिप्शन टेक्निक नेटवर्क में किसको बेहतर बनाती है? ए ऑप्शन परफॉर्मेंस, बी ऑप्शन सिक्योरिटी, सी ऑप्शन रिलायबिलिटी, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, और टाइम शुरू हो चुका है आपका, 10 सेकेंड का टाइम है आपके पास, टाइम आपका एंड भी होने वाला है और एंड हो गया है। राइट आंसर क्या होगा, सिक्योरिटी। ठीक है, इंक्रिप्शन क्या बढ़ाता है, सिक्योरिटी को बढ़ाता है। इंक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, जरा समझना, कोड में बात करना, क्या करना, कोड में। ठीक है, जिससे हमारा डेटा जो नेटवर्क में चल रहा होता है तो सिक्योर हो जाता है। एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, मान लो दो फ्रेंड्स थे भाई, उन्होंने तीसरे फ्रेंड का कुछ नाम रख दिया। क्लियर है? तो वो दोनों फ्रेंड्स तो जानते हैं आपस में, जब बात करते हैं नाम लेते हैं तीसरे फ्रेंड का कुछ और, तो तीसरे फ्रेंड को पता नहीं चलता किसकी बात हो रही, जबकि बात उसी की हो रही होती है। ठीक है, कोड में बदल देना। क्लियर है? तो इंक्रिप्शन का मतलब किसी चीज को कोड में बदल देना। क्लियर है? जिससे कोई दूसरा उसको ना समझ सके। क्लियर है? जिससे हमारा डेटा या नेटवर्क क्या हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में कौन कौन सी सुविधाएं क्लाउड कंप्यूटिंग द्वारा दी जाती हैं? ए ऑप्शन स्टोरेज, बी ऑप्शन डेटा शेयरिंग, सी ऑप्शन सॉफ्टवेयर शेयरिंग, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, और आपका टाइम शुरू होता है अब, टाइम शुरू हो चुका है, 10 सेकेंड का टाइम है आपके पास। वीडियो को शेयर करते जाइए, लाइक करते जाइए। आपका टाइम फिनिश हो गया, यहां पर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है? क्लाउड कंप्यूटिंग में हम स्टोर भी कर सकते हैं, डेटा भी शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ सॉफ्टवेयर की भी शेयरिंग कर सकते हैं। क्लियर है? क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है कि डेटा सॉफ्टवेयर, क्लियर है, जो कुछ भी है उसको अपने कंप्यूटर पे ना रखकर किसी दूसरे कंप्यूटर पर रखना। दूसरे कंप्यूटर का मतलब क्या है, वो कहीं नेटवर्क में कहीं भी होगा, हमें नहीं पता, हमारा डेटा क्या है, सिक्योर है। क्लियर है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग में मतलब क्या है भाई, डेटा को किसी और स्थान पर सुरक्षित रखना, ना कि अपने कंप्यूटर पे। ठीक है, जैसे गूगल ड्राइव, ईमेल का आपका अकाउंट बना हो तो आप गूगल ड्राइव पे वहीं पे जा सकते हैं, और मोबाइल में ड्राइव लिख के आता है, और आप अपना डेटा वहां पर क्या कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। मान लीजिए आपका मोबाइल खो भी जाए और आपने 100 फोटो ड्राइव में रखी थी, तो दूसरा मोबाइल आपने नया खरीदा और वहां पर लॉग इन जैसे ही करेंगे अपने ईमेल अकाउंट से, तो जो भी ड्राइव में आपकी 100 फोटोज थी वो आपको वापस मिल जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपके फोन पे नहीं, ड्राइव पर थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। 1 टेराबाइट इक्वल टू, 1 टेराबाइट इक्वल टू ए ऑप्शन 2 की पावर 10 GB, बी ऑप्शन 2 की पावर 10 MB, सी ऑप्शन 2 की पावर 10 KB, डी ऑप्शन 2 की पावर 10 बाइट्स। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, और आपके पास टाइम है 10 सेकेंड्स का, कोशिश करिएगा बताने की राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, कोशिश करिए जरा, क्या होगा राइट आंसर इसका। ठीक है, थोड़ा सा कोशिश करिए क्या होगा राइट आंसर। टाइम आपका फिनिश हो चुका है, टाइम आपका क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है, और इसका राइट आंसर होगा 2 की पावर 10 GB, 2 की पावर 10 GB।
जी भी क्लियर है। 2 की पावर 10 इज इक्वल टू क्या होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, 2 की पावर 10 जो होगा वो 1024 ही लिखा है, सिर्फ उन्होंने थोड़ा सा क्या कर दिया है, आपको घुमा दिया है। क्लियर है, आपको थोड़ा सा क्या कर दिया है, घुमा दिया है, और आंसर क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। क्लियर है, तो 2 की पावर 10 GB इज इक्वल टू क्या होगा, 1 TB होगा। ठीक है, 2 की पावर 10 मतलब 1024 ही होगा, सिर्फ घुमा के उन्होंने क्या कर लिया है, पूछ लिया है। क्लियर है, नेक्स्ट 1 EB इज इक्वल टू, 1 EB इज इक्वल टू क्या होगा बताइएगा, आपका टाइम चल रहा है भाई, आपका टाइम क्या हो रहा है, चल रहा है, कोशिश करिएगा बताने की क्या होगा, ईबी का फुल फॉर्म क्या होगा, पहले ये भी जरा कोशिश करिएगा बताने की। ईबी का जो फुल फॉर्म होता है वो एक्साबाइट होता है, ठीक है, और इसका ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा 1024 PB। क्लियर है, ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा 1024 PB, इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में सबसे तेज प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है इंकजेट प्रिंटर, सी ऑप्शन है थर्मल प्रिंटर, डी ऑप्शन है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। टाइम शुरू होता है अब, 10 सेकेंड्स है आपके पास, टाइम आपका फिनिश होने वाला है, जल्दी करिए। और टाइम फिनिश हो चुका है, सबसे तेज जो प्रिंटर होता है वो लेजर प्रिंटर होता है, सबसे तेज प्रिंटर जो होता है वो लेजर प्रिंटर होता है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, CDRW में W का क्या मतलब है, ए ऑप्शन राइट, बी ऑप्शन राइटर, सी ऑप्शन वर्क, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव, तो बताइएगा राइट आंसर क्या है। 10 सेकेंड्स है आपके पास, टाइम आपका शुरू हो चुका है, कोशिश करिएगा बताने की, और आपका टाइम फिनिश हो चुका है, और राइट आंसर जो इसका होगा वो होगा ए ऑप्शन राइट। क्लियर है, यदि आपसे पूछा जाए RW, W का मतलब होता है राइट और R का मतलब होता है रीड, क्लियर है, W का मतलब होता है राइट, R का मतलब होता है रीड, क्लियर है, तो 9 का ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, विंडोज का फाइल सिस्टम होता है, विंडोज का फाइल सिस्टम होता है, ए FAT32, बी NTFS, सी EXT4, डी नन ऑफ द अबव, तो बताइएगा राइट आंसर क्या है। टाइम आपका शुरू होता है अब, 10 सेकेंड्स हैं आपके पास, कोशिश करिएगा, और ये सारे क्वेश्चंस जितने भी हैं आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, रिपीट होते हैं तो आप आसानी से कर लेंगे। क्लियर है, तो इसका राइट आंसर जो होगा 10 का बी ऑप्शन राइट होगा, NTFS, विंडोज का फाइल सिस्टम क्या होता है, NTFS होता है। और आपका होमवर्क आज का ये है कि आप NTFS का फुल फॉर्म कमेंट करके बताएंगे, NTFS का फुल फॉर्म कमेंट करके बताएंगे। क्लियर है, तो ये था आज का ऑनलाइन टेस्ट। क्लियर है, रोज रात 9 बजे देखना ना भूलें। क्लियर है, जिन लोगों का अक्टूबर या नवंबर में पेपर होने वाला है, साथ ही साथ जो कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो भी ऑनलाइन टेस्ट क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। क्लियर है, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आपका एग्जाम एडमिट कार्ड या कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कैसे ऑनलाइन एग्जाम देंगे या जो भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। क्लियर है, तो मिलेंगे कल रात 9 बजे नए ऑनलाइन टेस्ट के साथ। गुड बाय।